दोस्तों आज हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं उसका नाम है कैपेसिटर्स। ओके, ये कैपेसिटर जो टॉपिक है इसके पहले आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी टॉपिक्स अभी तक हुए हैं उसमें मैकेनिक्स बड़े आराम से घुल मिल जाती है और काफी सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं जिसमें मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को चेक करना है कि आपको कैपेसिटेंस या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है या नहीं, वो मोर और लेस कैपेसिटेंस के ऊपर ही सवाल बनाएगा। ओके, और ये देखा गया है कि पिछले कई सालों में जेई में जो है एक्सक्लूसिवली कैपेसिटर्स के सवाल पूछे जाते हैं, फाइन। तो इसलिए कैपेसिटेंस जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, फाइन। और वैसे भी इन रियल लाइफ ऑल्सो कैपेसिटेंस इज वेरी यूजफुल, फाइन। कैपेसिटेंस आपने नाम सुना ही है और ये आपने कई जगह ऑलरेडी आपने जो है देख चुके होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये यूज क्यों होता है, इसका यूसेज किस लिए होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है, राइट। अब हम किसी भी चीज को स्टोर क्यों करते हैं? क्या आप एक एग्जांपल सोच पा रहे हैं जहां पर हम लोग जो है यूजुअली चीज स्टोर करते हैं? एक बकेट ले लीजिए, बकेट हम जो लोग वॉशरूम में यूज करते हैं, बाथरूम में बकेट का क्या काम होता है? बाथरूम में जो बकेट रहती है दोस्त, उसमें हम पानी भरते हैं, राइट, और वो स्टोर रहता है। तो क्या बकेट हम सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज कर रखते हैं? हम लोग उसको यूज भी करते हैं, राइट। तो क्या हम लोग बकेट में इसलिए पानी रखते हैं कि हम उसको बाद में यूज कर सकें? ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लोग के घर में पानी तो 24/7 यूजुअली आता ही है। तो अगर हमको बाद में भी पानी चाहिए तो हम टैप ओपन कर लेंगे, राइट। तो बकेट का यूसेज ये नहीं हो सकता कि हम लोग उसको बाद में यूज कर लें इसलिए हम अभी स्टोर कर लें, राइट। हालांकि एक्सीजेंसीज में कभी कभी ये रहता है कि पता होता है हमें कि भाई 4 घंटे बाद पानी नहीं आएगा, तो हम लोग जो है हर चीज में पानी स्टोर करने लगते हैं, लेकिन वो प्राइमरी पर्पस बकेट का नहीं है। तो क्या पर्पस है? आप जब बकेट में पानी स्टोर करते हैं उसके बाद आप जो है कितना अमाउंट ऑफ पानी कितने टाइम में यूज करना है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप मग यूज करके ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी कम समय में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टैप में यूज करेंगे या आप शावर यूज करेंगे तो आपका जो फ्लो रेट है पानी का वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा कि कितना तेजी से उसी में पानी आ रहा है, राइट। तो इसलिए जो है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ यूसेज ऑफ द वॉटर हम लोग बकेट यूज करते हैं और इसलिए हम पानी को स्टोर करते हैं। सिमिलरली कैपेसिटर भी दोस्तों, जब हमको कंट्रोल करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए ढेर सारा करंट, मुझे चाहिए करीब 50 एम्पियर्स करंट चाहिए बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, तो भाई सप्लाई तो होता नहीं है 50 एम्पियर करंट, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं एक जगह और एकदम से उसको डिस्चार्ज कर देंगे तो बहुत सारा करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये जो डिस्चार्ज है ये एक बहुत यूजफुल चीज है, इसको अगर ये जो इमीडिएटली जो डिस्चार्ज हुआ ये हमने जो स्टोरेज किया हुआ था इसको हम एज अ फ्लैश लाइट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट जनरेट करेगी, राइट। और आपने मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा कि भाई जैसे किसी को हार्ट अटैक वगैरह आता है तो उसको डिफिब्रिलेटर से इस तरह से डॉक्टर्स जो है उसके चेस्ट में 2 कैपेसिटर के प्लेट्स ऐसे रख देता है तो जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, तो बहुत सारा करंट उसके चेस्ट में फ्लो होता है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द हार्ट विल अगेन स्टार्ट टू फंक्शन और फिर जो इंसान है वो अलाइव फील होकर करने लगता है, राइट। तो इसलिए जो है कैपेसिटर इस तरह के सिनारियों में बहुत यूजफुल है, राइट। एक और सिनारियो है जहां पे कैपेसिटर बहुत यूजफुल है, वो
करंट को बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने देता है कैपेसिटर. ओके, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी मदरबोर्ड वगैरह में, जैसे आप अगर कभी चांस लगे मदरबोर्ड देखने का, जैसे हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक मदरबोर्ड होता है, ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो है ऐसे लगे रहते हैं. तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ इस तरह से डिवाइसेस होते हैं. ये ब्लू कलर का डिवाइस होता है इस तरह का, यहां पर कुछ लिखा रहेगा, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है. ओके, और कुछ डिवाइस होंगे इस तरह के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है. ओके, और कुछ कुछ ऐसे होंगे, वो चपटे ऐसे होंगे, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं. राइट, तो इस तरह के डिवाइसेस मदरबोर्ड में लगे रहते हैं. तो उनका काम क्या है? उनका काम ये है दोस्तों कि भाई अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे तो उसको रेगुलेट करना, और चार्ज भी स्टोर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. अब ये होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एनालॉजी दे रहा हूं यहां पे बकेट का, ताकि आपको समझने में आसानी हो. हालांकि हमारे सिलेबस में कैपेसिटर का जो यूसेज पार्ट नहीं है, फाइन, हमारे सिलेबस में सिर्फ कैपेसिटर की अंडरस्टैंडिंग पार्ट है. राइट, लेकिन जब तक हम इसको अच्छे से समझ नहीं लेंगे उसका यूसेज क्या है, हम इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर सकते. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये बकेट है, ठीक है, बकेट मान लीजिए इतना भरा हुआ है. राइट, यहां से आपके जो है, यहां से पानी ऐसे फ्लो हो रहा है और बकेट जो है भर रहा है. ये जो फ्लो रेट है यहां से आने का पानी का, ये बार बार चेंज हो रहा है. ये कभी कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल स्टॉप हो जाता है. ठीक है, और अगर मैं यहां से पानी लूं, यहां से अगर मान लीजिए पानी मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, यहां डाल रहा हूं, तो यहां का जो फ्लो रेट है दोस्तों वो जो है मोर ऑर लेस सेम रहेगा. फाइन, यहां कैसी भी चीजें हो रही हो, तो एक बकेट को मैंने यूज कर लिया मेरा फ्लो रेट स्मूथ करने के लिए. उसी तरह से कैपेसिटर का यूज हम कर सकते हैं, जो करंट का फ्लो रेट है उसको स्मूथ करने के लिए. इनफैक्ट जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे या सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, उसमें जब हम एसी को, जिसमें करंट बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं एज अ फिल्टर कैपेसिटर. ओके, ओके, अब हमको चार्ज स्टोर करना है. ठीक है, आपको क्या लगता है आप कैसे चार्ज को स्टोर कर सकते हैं? आपको चार्ज दे दिया गया, क्या आप उसको हाथ से ऐसे उठाएंगे? हाथ से अगर उसको उठाएंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, आपसे वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, एंड इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड. तो आप उसको कैसे एक सेफ तरीके से स्टोर कर सकते हैं? उस चार्ज को अगर आप मेटल में डाल दें तो क्या होगा? मेटल में पूरे सरफेस में ऐसे फैल जाएगा वो. अगर मान लो चार्ज को मैंने इस मेटल में डाल दिया पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे इस तरह से इसके सरफेस पे जो है फैल जाएगा. राइट, तो क्या मैंने चार्ज स्टोर कर लिया? बिल्कुल, मैंने चार्ज तो स्टोर कर ही लिया है. लेकिन अगर मैं यहां से कोई कंडक्टिंग चीज ऐसे टच करा दूं इसको, तो हो सकता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन ये ले ले और फिर न्यूट्रलाइज कर जाए. तो इसमें लीकेज के चांसेस बहुत आसान है, बहुत आसानी से ये अपने चार्ज लूज कर सकता है. राइट, लेकिन दोस्तों अगर मैं दो मेटल सरफेस ले लूं, ओके, समझ लीजिए कि मैं ऐसे ले लूं, दो मेटेलिक पीस ले लूं, ओके, यहां पे मैं पॉजिटिवली चार्ज दे देता हूं, फाइन, और यहां पे नेगेटिव चार्ज दे देता हूं, तो क्या होगा? अगर ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. फाइन, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे बांध के रखेंगे. फाइन, ये एक दूसरे को खींचते रहेंगे. तो यहां पर जो है काफी टाइट यहां एक दूसरे को ऐसे होल्ड किया हुआ है. तो अगर मैं यहां से कुछ टच भी करा दूं दोस्तों, तो भी जो है यहां से कुछ भी टच करा दूं, ये चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज इस अट्रैक्शन की वजह से पकड़ के रखा हुआ है. ऑलराइट, तो ये एक यूजफुल तरीका है चार्ज को स्टोर करने का. राइट, स्टोर करने का मतलब ही यही है कि मैं उसको अच्छे से रख सकूं कंफर्टेबली और बाद में यूज कर सकूं. अगर मैं उसको सिर्फ एक ही मेटल सरफेस में डालता हूं तो चार्ज
आराम से लीक हो जाएगा, तो स्टोर करने का मतलब ही क्या हुआ, तो वो एक प्रॉपर स्टोरेज नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, और हम कैसे स्टोर करते हैं, हम दो कंडक्टर लेते हैं सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। फाइन, तो कैपेसिटर इज टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, ये मतलब इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है। फाइन, टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ओके, अब दोस्तों कोई भी चीज आप जब यूज करेंगे एज अ स्टोरेज डिवाइस, तो सबसे पहले उसकी क्या चीज जानने की कोशिश करेंगे, उसकी कैपेसिटी। फाइन, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बकेट है, ठीक है, आपने समझ लीजिए कि दो बकेट ली, एक इस तरह की बकेट ली और एक जो है ये बकेट ले ली। फाइन, ऑलराइट, आप अगर इनका हाइट मेजर नहीं कर सकते, ना आप ये मेजर कर सकते हैं कि ये इसका जो सर्कमफ्रेंस है बेस का वो कितना है, तो आप किस तरीके से अंदाजा लगाएंगे कि इन दोनों की कैपेसिटी रफली कितनी है, क्या आपके पास कोई तरीका है? एज्यूम कर लीजिए कि दोनों का हाइट सेम है। फाइन, और मैंने आपको एक वाटर बॉटल दे दी जिसमें एक लीटर पानी भरा हुआ है, तो क्या आप एक अंदाजा दे सकते हैं कि कैपेसिटी दोनों की किस रेशियो में है और कितना कैपेसिटी हो सकती है? बिल्कुल, अगर आप वो वन लीटर पानी इसमें डाल देंगे, फाइन, तो ऐसा कुछ सीन होगा, और यहां डालेंगे तो क्योंकि एरिया ज्यादा है बेस का, तो हो सकता है सिर्फ इतना ही ऊपर आए, और अगर ये एच टू है, फाइन, और ये एच वन है, क्या हो रहा है, मैंने सेम अमाउंट ऑफ पानी, क्यू अमाउंट ऑफ पानी यहां भी डाला और यहां भी डाला, लेकिन इसमें H1 हाइट तक गया, इसमें H2 तक गया। फाइन, तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी दोस्त जिसका हाइट कम है। फाइन, तो मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि जो भी अमाउंट ऑफ वाटर डाला इज प्रोपोर्शनल टू 1/H। फाइन, तो मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैंने डाला पानी इट इज प्रोपोर्शनल टू हाइट। ठीक है, ये तो दिख ही रहा है, और अगर जो भी अमाउंट डाला इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स हाइट, राइट, तो ये कांस्टेंट, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो कांस्टेंट है ये उसका ज्यादा होगा जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है। कैसे भाई, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, तो इसका हाइट कम होगा, अगर हाइट कम होगा ये दोनों के केस में सेम है तो ऑटोमेटिकली सी की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट, तो इस तरह से मैंने कैपेसिटी एक तरह से डिफाइन कर दी है इन केस ऑफ बकेट। फाइन, अब हम सिमिलर डेफिनेशन यूज करेंगे दोस्तों कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस डिफाइन करने के लिए। ओके, अब आपके पास जो है समझ लीजिए दो कंडक्टर हैं इस तरह से। फाइन, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, फाइन, इसके पास है नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ये दोनों तो कंडक्टर हैं, तो ये पूरा का पूरा एक सेम पोटेंशियल में होगा V1, और ये पूरा का पूरा एक पोटेंशियल में होगा V2। फाइन, तो दोनों जो है इन इटसेल्फ, ये पूरा एक सेम पोटेंशियल पे है, ये पूरा एक सेम पोटेंशियल पे है। फाइन, लेकिन इन दिन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फाइन, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि भाई वी वन माइनस वी टू है, जिसको मैं बोल देता हूं कि V है, तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है इन दिनों के बीच में, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? अगर मान लीजिए यहां पर प्लस Q है, तो यहां पे माइनस Q होगा, यहां प्लस Q है, यहां माइनस Q जो है इसलिए होगा क्योंकि भाई यहां पर हम लोग एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते, इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, मान लीजिए यहां प्लस क्यू है और यहां पे माइनस क्यू है, ठीक है, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इज प्रोपोर्शनल टू जो भी चार्ज है, इसके मैं बोल सकता हूं, ठीक है,
तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है V, अगर मैं बोलूं इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स Q, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है अगर मैं इस तरह से बोलूं कि Q इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स V, तो क्या ये सिमिलर केस है जब हम बकेट यूज कर रहे थे? पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या था? हाइट डिफरेंस था, फाइन। Q की जगह क्या था? चार्ज की जगह अमाउंट ऑफ वाटर पुट इन था। तो यहां पर भी C जो है एक तरह से कैपेसिटी डिनोट कर सकता है, राइट? मैंने Q अमाउंट ऑफ चार्ज डाला, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस हुआ Q डालने से, तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो और चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है टिल इट अचीव्स अ सेट पोटेंशियल, फाइन। तो जो ये जो C आता है दोस्तों, ये है वैल्यू कैपेसिटेंस का। इसको आप ध्यान रखिएगा। सिमिलर टाइप ऑफ इक्वेशन हम लोगों ने ओम्स लॉ में देखा था। ओम्स लॉ में क्या था? V इज इक्वल टू R टाइम्स I, V वॉज प्रोपोर्शनल टू I एंड R वॉज अ स्पेशल थिंग विच वॉज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। यहां पर C एक स्पेशल चीज है, इसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। C अगर ज्यादा है तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, C अगर कम है तो कैपेसिटी कम होगी, ओके? ठीक है। अब हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि अगर चार्ज Q मैं किसी भी डिवाइस में डाल रहा हूं और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V आ रहा है, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है बिटवीन Q एंड V, वो होती है कैपेसिटेंस की वैल्यू, फाइन। तो इसको तो हम यहीं पे लिख लेते हैं कि भाई Q इज इक्वल टू CV, ऑलराइट। और अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना है किसी चीज का, तो मैं क्या करूंगा? चार्ज Q डालूंगा उसमें, उसकी वजह से जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर उसके बाद Q इज इक्वल टू CV से मैं रिलेट करूंगा, और जो भी कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आता है बिटवीन Q एंड V, वो मेरी कैपेसिटेंस हो जाएगी, राइट? तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम लोग अब कैपेसिटेंस निकालेंगे अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स का, फाइन। तो सबसे पहले लिख लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरह से दिखेगा। भाई दो प्लेट होती हैं सिंपली, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। प्लेट का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो है एक सिंगल प्लेन में लाई करना चाहिए। इस केस में ये प्लेट इनटू द बोर्ड ऐसे गई है, और ये वाली प्लेट भी इनटू द बोर्ड गई है, और ये जो प्लेट्स हैं ये किसी भी शेप और साइज की हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो है रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो, राइट? इट कैन बी एनी शेप as long as दोनों जो है एक जैसी प्लेट्स हैं, ओके? तो अगर मान लो कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, अब मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है, राइट? कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे एक दो चीजें पता होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है प्लेट का ए है, फाइन। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये डी है, फाइन। तो ये दो तीन चीजें दी हुई हैं। अब आपको निकालना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, राइट? कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसमें चार्ज प्रोवाइड करूंगा, राइट? बट बिफोर वी इवन डू दैट, एक और चीज मैं यहां पे पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि भाई अगर मान लीजिए कि यहां पे प्लस क्यू वन है, यहां माइनस क्यू वन है, यहां पे मान लीजिए Q3 है, और यहां पे मान लीजिए Q4 है, तो कौन सा चार्ज आप कंसीडर करेंगे? भाई जो चार्ज कैपेसिटर के अंदर है वही कंसीडर करेंगे आप। जैसे बकेट का आप कैपेसिटी जब निकालते हैं तो बकेट के अंदर जितना पानी है वही कंसीडर करते हैं, राइट? बकेट के बाहर वाला थोड़ी कंसीडर करते हैं, ओके? तो हम लोग हमेशा ही जो अंदर वाले चार्जेस हैं उसकी बात करेंगे, बाहर की बात नहीं करेंगे,
और यूजुअली जो है बाहर चार्ज जीरो ही रखा जाता है यूजुअली क्वेश्चंस में, राइट। बट कभी कभी हो सकता है कि बाहर भी चार्ज हो, तो उस समय आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो अगर मैंने दोस्तों यहां पे किसी तरह प्लस क्यू चार्ज लगा दिया तो यहां पे कितना चार्ज आएगा, ये तो हमने जब गॉस लॉ पढ़ा था उस समय इस तरह की सिचुएशन डिस्कस की थी कि अगर आप एक गॉजन सरफेस इस प्लेट से ऐसे पास होते हुए ले लें, फाइन, और फिर ऐसे जाके इस प्लेट से पास होते हुए ऐसे अगर कर दें तो क्या पाइएगा कि भाई ये जो प्लेट्स हैं, ये इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इनफाइनाइट प्लेट्स हैं क्योंकि डिस्टेंस डी बहुत कम होता है, राइट। तो मैं मान सकता हूं कि प्लेट इनफाइनाइट है, और अगर इनफाइनाइट प्लेट्स हैं दोस्तों तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से यूनिफॉर्म आएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फाइन। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये फेस और ये फेस, इन दोनों फेस से फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि इस फेस में एरिया वेक्टर ऐसा है और इस फेस में एरिया वेक्टर ऐसा है, तो कोई भी लाइन इसको कट अक्रॉस नहीं करेगी, तो इन दोनों के अक्रॉस तो फ्लक्स जीरो हो गया, और इन दोनों लाइन के अक्रॉस भी फ्लक्स जीरो है क्योंकि ये दोनों लाइन जो है मेटल से पास हो रही हैं और मेटल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही जीरो होता है। तो जो टोटल फ्लक्स इनक्लोज बाय दिस सरफेस इज जीरो, अगर टोटल फ्लक्स जीरो है तो टोटल चार्ज इनक्लोज भी जीरो होना चाहिए। तो अगर ये प्लस क्यू है दोस्तों तो हमेशा ये माइनस क्यू होगा, फाइन। ओके, तो चलिए अब हम इसका कैपेसिटी निकालते हैं, फाइन। कैसे निकालेंगे कैपेसिटी, भाई अगर एक पॉइंट ले लूं यहां पे, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस प्लेट होगी, लेट से E1, एंड ड्यू टू दैट प्लेट वो भी सेम डायरेक्शन में होगी क्योंकि वो अपोजिट चार्ज है, राइट। तो ये समझ लीजिए E2 है, राइट। अब यहां पर ये देखेगा कि जब भी हम कैपेसिटेंस निकालते हैं हमको किस चीज की जरूरत है, हमको चार्ज क्यू जब दिए तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसकी जानकारी जानना है, राइट। लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, फाइन। डायरेक्टली क्या मिलेगा कि भाई हमारे पास गॉस लॉ जैसा एक बहुत ही स्ट्रांग हथियार है, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फिर पोटेंशियल निकालेंगे, फाइन। तो ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का जो हम कैपेसिटेंस के केस में यूजुअली फॉलो करते हैं बिकॉज इट इज इजी टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, यही तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, इजंट इट। सिग्मा कितना हो गया, क्यू बाई ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E1 हो गई, और यही चीज E2 भी है, E2 इज ऑल्सो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों हो गई E1 प्लस E2, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, राइट। तो E1 प्लस E2 जब आप करेंगे तो आप पाएंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आएगा। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर, ये होता है फॉर्मूला, इजंट इट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है दोस्तों, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, फाइन, इस डायरेक्शन में है, राइट। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक चाहिए, यहां से लेकर यहां तक चाहिए, तो मैं भी ऐसे ही ट्रेवल करता हूं, राइट। जब मैं ऐसे ट्रेवल करूंगा तो मेरा डीआर इसी दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में है, तो ई डॉट डी आर जो है सिंपली ई इंटू डी आर हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा जो है 1 हो जाएगा एज थीटा इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। सो दिस इंटू डी आर 0 से लेकर d तक, तो जो q बाई ए एप्सिलॉन नॉट है दिस विल कम आउट ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, दिस विल बिकम q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर 0 टू d हो जाएगा ये d, तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, फाइन। लेकिन माइनस भी आ रहा है यहां पे,
माइनस दोस्तों इसलिए आया है क्योंकि आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव का ज्यादा सिग्निफिकेंस यहां पे नहीं है, बस ये यही बताता है कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है। फाइन, तो अगर हम सिर्फ वैल्यू की बात करें तो मॉड ऑफ डेल्टा वी हो जाएगा क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। फिर अगर इसको फर्दर अरेंज कर दें तो क्यू कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई सॉरी इनटू डेल्टा वी। अब अगर इसको मैं इस फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो कैपेसिटेंस कितना आएगा मेरे पास, कैपेसिटेंस दोस्तों आएगा मेरा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फाइन, तो ये है कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ओके, चलिए अब हम एक दूसरे तरह का कैपेसिटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, लिख लीजिए कैसा दिखेगा स्फेरिकल कैपेसिटर, भाई दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। फाइन, ये समझ लीजिए आर ए रेडियस है और ये वाला रेडियस समझ लीजिए आर बी है। ओके, जो कैपेसिटेंस है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में होगा, मतलब इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर एंड आउटर सरफेस ऑफ द इनर स्फीयर। फाइन, अब मान लीजिए कि मैंने यहां पे चार्ज क्यू दिया तो यहां पे माइनस क्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फाइन, सेम रीजनिंग है यहां पर कि आप एक गॉजियन सरफेस अगर इसके मेटल पीस के पास होते हुए ऐसे कंसिडर कर लें तो फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि मेटल से पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा, तो टोटल चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए, तो अगर यहां क्यू इनक्लोज है तो यहां पे माइनस क्यू होगा। फाइन, इसलिए जो है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। फाइन, अब चार्ज तो मैंने दे दिया, अब मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जानना होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जानने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप यहां पे एक गॉसियन सरफेस है अज्यूम कर लें क्योंकि चीजें सिमेट्रिकल हैं, तो ड्यू टू सिमेट्री आप गॉस लॉ लगा के बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कितनी आएगी दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फाइन, ये डिस्टेंस अगर आर है तो कैसे, फ्लक्स कितना होगा ई इंटू डी ए इंटीग्रल, ई इज कॉन्स्टेंट तो कम्स आउट ऑफ इंटीग्रल, दिस विल बी ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। सो के इज एनीवे इक्वल टू दिस ओनली। अब जो है पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे ई डॉट डी आर इंटीग्रल करना पड़ेगा आर ए से लेकर आर बी तक, राइट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r स्क्वायर डी आर इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, गोइंग फ्रॉम आर ए टू आर बी, राइट। सो दिस विल बी क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा -1/r। फाइन, सो दिस विल बी फ्रॉम आर ए टू आर बी, राइट। सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 1/RA माइनस 1/RB। फाइन, अब ये हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q कितना हो जाएगा मेरे पास, Q हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी डिवाइडेड बाई आर बी माइनस आर ए, फाइन, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी, विच सपोज वी ओनली, राइट।
तो ये जो चीज है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर्स, ओके। अब देखा गया है कि इस सेम चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी, है कि नहीं। तो अगर मैं इस तरह से लिख दूं, ये मेरा कैपेसिटेंस है, राइट। सो दिस इज माय कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटेंस, जहां पे दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। और अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही स्फीयर है, अगर एक ही स्फीयर है दोस्तों, तो दूसरा स्फीयर आप मान सकते हैं कि इंफिनिटी पे है, राइट। और दूसरा अगर इंफिनिटी पे है तो आर बी जो है समझ लीजिए इंफिनिटी है, तो 1 बाय आर बी जीरो हो जाएगा, राइट। सो दिस गोज अवे। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जिसमें सिर्फ एक ही स्फीयर है वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1 बाय आर ए, और आर ए को समझ लीजिए आर ही है अगर वो, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये कैपेसिटेंस है अगर सिर्फ एक ही स्फीयर है तो, ओके फाइन। तो इस तरह से हमने स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लिया है, ऑलराइट। अब हम जानेंगे कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस होता है, ओके। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, दो सिलेंडर्स हैं, इस तरह से, राइट। ये मान लीजिए इसका एक्सिस है, देन दिस इज आर ए एंड दिस रेडियस इज सपोज आर बी, ऑलराइट। मान लीजिए कि यहां पे चार्ज क्यू है और यहां पे चार्ज माइनस क्यू है, ओके। और ये जो डिस्टेंस है, ये समझ लीजिए एच है, फाइन। अब हमको इसका कैपेसिटेंस निकालना है, राइट। सेम प्रोसीजर यहां पे फॉलो करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके उसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। आप ये खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। तो मैं यहां पर एक गॉजियन सरफेस कंसीडर करूंगा, इस तरह की सिलेंड्रिकल, तो ये मेरी गॉजियन सरफेस हो गई रेडियस आर की, ऑलराइट। तो अगर ये गॉजियन सरफेस है, मुझे पता है ड्यू टू सिलेंड्रिकल सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे सर्कुलर होगी, और अलोंग द एक्सिस हर जगह जो है इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियली बाहर आ रही है ऐसे होंगी। तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखेगी, फाइन। तो यहां पे एक सर्कुलर दिखेगी अगर मैं ऊपर से देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओके। तो ऐसे सिलिंड्रिकली वो हर जगह फैली हुई है ऐसे सर्कुलर वे में, राइट। तो अगर मैं इसका जो है गॉजियन थ्योरम लगाने की कोशिश करूं यहां पे, तो कैसे लगाऊंगा मैं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये मान लीजिए सरफेस वन है, ये सरफेस टू है, और लैटरल सरफेस मान लीजिए थ्री है। दिस होल थिंग विल बी फ्रॉम सरफेस वन ई डॉट डी ए प्लस फ्रॉम सरफेस टू ई डॉट डी ए प्लस फ्रॉम सरफेस थ्री ई डॉट डी ए, फाइन। अब सरफेस वन में जो क्या देख रहा हूं मैं कि एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो 90 डिग्री है, राइट। तो वहां से फ्लक्स जीरो रहेगा, और सरफेस टू में से भी जीरो रहेगा। तो ये जो सरफेस वन का इंटीग्रल है और टू का है, ये दोनों जीरो हो गए। ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज इंटीग्रल थ्रू सरफेस थ्री, ऑलराइट। और सरफेस थ्री क्या है, लैटरल है। कहीं पे भी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर रेडियली ऐसे बाहर निकल रही है, सेम डायरेक्शन एरिया वेक्टर का भी है, तो इसलिए जो है ई डॉट डी ए सिंपली हो जाता है ई इंटू डी ए, ओके। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए ओवर सरफेस थ्री, ओके। अब आप देखेंगे ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है पूरे लैटरल सरफेस में कॉन्स्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी। दिस विल बी ई
इंटीग्रल डीए, और इंटीग्रल डीए तो ए ही होता है दोस्तों, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं ई इंटू ए, और ए कितना है इस केस में, 2πr इंटू, मैंने एच लिया हुआ है, इंटू एच, फाइन। तो ये हो गया मेरा फ्लक्स, राइट। दिस फ्लक्स शुड बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ई इंटू 2πrh should be equal to q by epsilon naught. So electric field will be q by 2πh epsilon naught into 1 by r, fine. तो ये है electric field इस particular case में, okay. अब हम potential difference निकालेंगे और वहां से फिर capacitance निकाल लेंगे, fine. तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इंटीग्रल ई डॉट डी आर करना है दोस्तों, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटीग्रल ऑफ, एक्चुअली नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एच वन बाई आर डी आर। यहां पे भी ई डॉट डी आर सिर्फ ई इंटू dr हो जाएगा, क्योंकि वो भी रेडियल डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रेडियल डायरेक्शन है। दिस इंटीग्रल कहां से कहां तक जाएगी, ये ra से rb तक जाएगी इंटीग्रल, फाइन। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस q by 2 pi epsilon not h 1 by r dr, इंटीग्रल विल बी ln r, राइट। ln r जो है ra से लेकर rb तक जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ q by 2 pi epsilon not h ln rb by ra, fine. So this is the potential difference. अब negative sign का यहां पे ज्यादा significance तो है नहीं, अगर हम capacity के बारे में बात करें तो हम इसका mod ले लेते हैं, जब mod लेंगे तो ये positive हो जाएगा, fine. So q will be equal to 2 pi epsilon not h divided by ln of RB by RA into V, fine. तो ये जो टर्म आई दोस्तों, ये है कैपेसिटेंस, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म है, ये है कैपेसिटेंस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, फाइन। तो इस तरह से आज हमने जो है अलग अलग टाइप के कैपेसिटर कंसिडर किए और उनका कैपेसिटेंस निकाला है, ओके? अगली वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि और डिटेल में जाएं, थोड़ा सा फिजिकली इसका मीनिंग समझे कैपेसिटर का, हम लोग ये जाने कि अगर मान लीजिए कि इस कैपेसिटर के बीच में हमने कुछ मीडियम डाल दिया जो कि मतलब डायलेक्ट्रिक है, तो उसको क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, फाइन। फिर हम ये जानेंगे कि भाई कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, और फिर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही।